हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामास को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो सभी ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल हैं। इस लिस्ट के ज्यादातर कोरियन ड्रामास बिल्कुल ही नए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं एमएक्स प्ले, नेटफ्लिक्स, प्लेफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा ये सभी कोरियन ड्रामास आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। सो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है द के 2। इसे 2016 में इसकी तब 7.8 आउट ऑफ रीडिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आपका देखने वाले जे हाकी जो कि एक फॉर्मर सोल्जर रह चुका होता है और वहां पर उसे K2 के नाम से जाना जाता है। जेहा जो है वो इराक पर पोस्टेड था पर उस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड को कोई मार देता है। इसके बाद में जेहा इराक से भाग कर कोरिया वापस आ जाता है और वहां पर वो किसी तरह JSS सिक्योरिटी में घुस जाता है और वहां पर वो किसी तरह बॉडीगार्ड बन जाता है चोई यू जिन का, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ होती है। पर जेहा इस पोस्ट पर अपने बदले की वजह से आया होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि पार्टी का क्वान सुजो है, उसे लगता है कि उसी ने ऑर्डर दिया था उसकी गर्लफ्रेंड को मरवाने का, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। तो क्या लास्ट तक वो अपना बदला लेने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं, ये सब तो हमें इस ड्रामा में आगे देखना ही है। इस ड्रामा में एक और कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम रहता है आन्ना, जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है। और हमें प्रेसिडेंट की बेटी और जेहा के बीच में एक लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कि सच में इस ड्रामा को बहुत ज्यादा मस्ट वॉचेबल बना देती है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 16 मिनट की। तो मालदीव्स अब एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और मालदीव्स इंडिया का बिजनेस खत्म करेगा। खैर, इनके हालात को समझते आप और हम बाल नोचने की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है इटाइवन क्लास। इससे 2020 में इसकी था उसे एमडी पर 8.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा में हमें कहानी देखने को मिलती है साइरोय की, जिसकी एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है क्योंकि वो बुली करने वाले बच्चे को पंच मार देता है। पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वो बुली करने वाला बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं होता है, बल्कि वो कोरिया के नंबर वन फूड कंपनी के मालिक का बेटा होता है और इसी की वजह से साइरोय को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि उस कंपनी के मालिक के बेटे ने साइरोय के फादर को एक्सीडेंट में जान से मार दिया और सारा का सारा इंजाम जो है वो सैरोय के ऊपर में लगा दिया है, जिसकी वजह से सैरोय को जो है वो जेल में सजा काटनी पड़ती है। सैरोय जेल से बाहर निकलने के बाद में प्लान बनाता है फूड कंपनी चालू करने का, जिससे वो कोरिया के नंबर वन फूड कंपनी बनाना चाहता है ताकि वो उस फूड कंपनी के मालिक से बदला ले पाए जिसने उसके फादर की और उसकी लाइफ बर्बाद करी थी। पर यह रास्ता सैरोय के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और इसी बीच उसकी मुलाकात ये सीओ से होती है जो उसकी पूरी मदद करती है उसके बदले में। इस ड्रामा में आगे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं और यहाँ पर आपको एक खूबसूरत लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है द कर्स्ड। इसे 2020 में इसकी था उसे एमडी पर 7.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा हुआ है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जो जोंग ह्यून है वो एक तांत्रिक प्रैक्टिस पर भरोसा करता है और वो खुद भी एक तांत्रिक होता है। जिन्हें जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उस दौरान उसकी मुलाकात सोजिन से हो जाती है जो कि एक आम लड़की बिल्कुल भी नहीं होती है। सोजिन का मानना है कि उसके पास में स्पेशल पावर्स हैं और वो आत्माओं को भी पोजेस कर सकती है। जिन्ही और सोजिन एक साथ मिलकर फॉरेस्ट वाले केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें लास्ट तक बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो उन्हें नहीं पता होनी चाहिए और उसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है वो कैसे अपसाइड डाउन टर्न लेती है और आगे उनके साथ में क्या होने वाला है, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वो ह्यून की, जिसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसे एक प्रोफेशनल किलर ट्रेन करता है और वो भी बड़े होने के बाद में एक प्रोफेशनल किलर बन जाता है। सो ह्यून एक किलर है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो अभी सबसे छुपी रहती है। इसी बीच सो ह्यून की मुलाकात ह्यून जून से होती है। ह्यून जून एक डिटेक्टिव होती है पर यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि ह्यून जून एक किलर को ढूंढना चाहती है और वो किलर उसी के अपार्टमेंट में रहता है और उसे ये बात नहीं पता है। और लास्ट तक सो ह्यून जो है वो ह्यून जून से अपनी आइडेंटिटी छुपा पाता या नहीं, आगे हमें पता चलता है कि सो ह्यून और ह्यून जून पास्ट में किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो उन दोनों की किस्मत है वो एक दूसरे पर निर्भर है। आगे इस ड्रामा में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं और इन दोनों की लाइफ बहुत तेजी से चेंज होने वाली है। तो आगे इनके साथ में क्या होता है वो सभी आप इस ड्रामा में देखिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 16 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है रूम नंबर 9। इससे 2018 में इसकी गई था उसे एमडी पर 7.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्ले के प्लेटफॉर्म पर। अपने केस के दौरान हाई की मुलाकात हुआ सा से होती है जो कि एक ऐसी मुजरिम है जिसने काफी सारे मर्डर करे हैं और अपने इतने सारे मर्डर की वजह से वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रही होती है। जब लॉयर यी हुआ सा से मिलने जाती है तब उन दोनों की बॉडी आपस में चेंज हो जाती है, यानी कि मर्डरर हुआ सा की आत्मा जो है वो लॉयर यी के अंदर में आ जाती है और लॉयर
बार ये की आत्मा हवासा के अंदर में आ जाती है। क्या वो अपने इस दूसरे मौके का इस्तेमाल और भी कुछ खतरनाक करने में करने वाली है, या वो उन लोगों से बदल लेगी जिसकी वजह से वो जेल के अंदर में इतने सालों तक कैद थी। ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 65 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा उसका नाम है टाइम। इसे 2018 में सीखा था, उसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं प्लेफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये एक मिस्ट्री रोमांस मेलो ड्रामा है जहां पर अपनाए देने वाले हैं सू हो की, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का वारिस होता है और इसी वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। दूसरी तरफ हमें अपनाए देने को मिलती है जी हुन की, जो कि एक ऐसी लड़की है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके लिए जिंदगी बहुत ज्यादा हार्ड रही है। उसे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन जी हुन और सू हो की मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात में उन दोनों का इंप्रेशन एक दूसरे पर बहुत ज्यादा बेकार हुआ था, यानी कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक दिन किसी वजह से जी हुन की जो बहन है उसकी डेथ हो जाती है, वो भी सू हो के घर के अंदर में, जिसके बाद में जी हुन पूरी तरह से टूट जाती है और सू हो को पता चलता है कि अब उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 7 महीने ही है जीने के लिए और इतने कम टाइम में वो जी हुन की मदद करना चाहता है क्योंकि उससे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी बहन की डेथ हो गई थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि जी हुन और सू हो को एक दूसरे से प्यार हो गया है, पर हमारे मेन लीड यानी कि सू हो के पास में बहुत ज्यादा कम टाइम है, तो ऐसे में क्या इनकी लव स्टोरी जो कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 32 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 35 मिनट की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है थर्ड चार्म। इससे 2018 में इसके गया था, उसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में एक बहुत ही कमाल की लव स्टोरी आपको देखने को मिलती है, जहां पर हम देखने वाले हैं जुन यंग और यंग जाई को, जो कि 20 साल की उम्र से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, पर जो उनकी डेट है वो कामयाब नहीं हो पा रही होती किसी न किसी वजह से, और वो अब तीसरी बार एक दूसरे से वापस मिल रहे हैं अपनी 27 साल की उम्र में। जुन यंग जो है वो एक डिटेक्टिव है और यंग जाई जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। इन दोनों को भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा होता है, पर इस बीच वो वापस से क्लोज आते हैं, पर जो उनकी लव स्टोरी है वो किसी न किसी वजह से कामयाब नहीं हो पा रही होती है और यहाँ पर अब थर्ड इंसान की भी एंट्री हो जाती है। अब इस लव ट्रायंगल के बीच में क्या लास्ट तक जुन यंग यंग जाई की लव स्टोरी कामयाब भी हो पाएगी या नहीं, इसी सब पर बेस्ड ये पूरा का पूरा ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 75 मिनट की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है डेस्टिन्ड विद यू। इससे 2023 में इसकी गई था, उसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देखने वाले हैं शेन यू की, जो कि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और वो खुद भी एक बहुत बड़ा लॉयर होता है। एक दिन किसी केस की वजह से शेन यू की मुलाकात होंग जू से होती है। होंग जू एक सिविल सर्वेंट है जो कि अपने काम में बेस्ट देने की कोशिश करती है, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। शेन यू को एक ऐसी बीमारी होती है जो उसके परिवार में काफी पीढ़ियों से चली आ रही है और वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक किताब की मालकिन ही उसके इस बीमारी को हमेशा के लिए भगा सकती है, और उसके इस किताब की मालकिन और कोई नहीं बल्कि होंग जू होती है। और वो किसी तरह होंग जू को मना लेता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, पर उसके बाद में क्या सच में होंग जू की बीमारी ठीक हो जाती है या नहीं, ये तो हमें इस ड्रामा में आगे पास चलेगा। पर इतना तय है कि शेन यू को होंग जू से प्यार हो जाता है, तो क्या इनकी लव स्टोरी आगे कामयाब हो पाती है या नहीं, ये भी हमें आगे इस ड्रामा में देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। An employee working in a job makes on an average 1 lakh after. तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है स्वीट होम। इससे 2020 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 में शिफ्ट होते ही ह्यूनसु को पता चलता है कि एक आउटब्रेक हो चुका है पूरे कोरिया में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मॉन्स्टर बदल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर में हमला कर रहे हैं। इस मॉन्स्टर आउटब्रेक में ह्यूनसु के अलावा और भी लोग फंसे हुए हैं उसके अपार्टमेंट के, जो लास्ट तक कैसे सर्वाइव करते हैं। इन सबके बीच में ह्यूनसु को एक सुपर पावर मिलती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपार्टमेंट के लोगों को कैसे बचाएगा, इसी सब पर बेस्ड ये पूरा का पूरा ड्रामा है। तो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो बहुत सारे एक्शन और मॉन्स्टर से भरा होने वाला है, जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इस ड्रामा के सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में टोटल 18 एपिसोड है। आप कहानी देखने वाले हैं मॉक हा की, जो कि बचपन से रांजू सिंगर की फैन होती है और वो खुद भी एक सिंगर बनना चाहती है ताकि वो रांजू के साथ में काम कर पाए। एक दिन मॉक हा को रांजू से मिलने का मौका मिलता है सियोल में, पर वो अपने गाँव से सियोल नहीं जा सकती क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर उसे मारेंगे, पर इसमें उसकी मदद उसके बचपन का दोस्त कांग वू करता है और अपने दोस्त की वजह से मॉक हा अपने घर से चली जाती है, पर वो एक आइलैंड में फंस जाती है और सबको लगता है कि मॉक हा मारी गई। पर मॉक हा उस आइलैंड में 15 सालों से सर्वाइव कर रही होती है और 15 सालों बाद में एक रिपोर्टर मॉक हा को ढूंढ लेता है और वो वापस से उसे कोरिया लेकर आता है और वहाँ पर वो उसकी मदद करता है ताकि मॉक हा जो है वो आज के लोगों से घुल मिल पाए। और इसी बीच मॉक हा जो है वापस अपने सपने को जीने की कोशिश करती है और वो रांजू से भी मिल जाती है, और इस सब में जो रिपोर्टर उसकी मदद करता है वो और कोई नहीं कांग वू ही होता है। यहाँ पर हमें कांग वू और मॉक हा की बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर कांग वू का भाई यानी कि कांग वो भी मॉक हा को पसंद करने लग जाता है और इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो ऐसे में इनकी लव स्टोरी का क्या होने वाला है और आखिर
तक क्या मोखा एक बड़ी सिंगर बनने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 80 मिनट की। तो यहाँ पर हमारी टॉप 10 लिस्ट खत्म हो चुकी है और हमारे पास में एक बोनस कोरियन ड्रामा भी है जो आप सभी के लिए मस्ट वॉचेबल है अगर आप इंग्लिश सबटाइटल में कोई केरियर ड्रामा देखते हैं तो, जिसका नाम है माई डीमन। इसे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और मैं फिर बता दूं ये इंग्लिश सबटाइटल पर अवेलेबल है और अभी इसे हिंदी डब्ड नहीं किया गया है। ये ड्रामा हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इंडियन ऑडियंस में भी और नेटफ्लिक्स पर 3rd नंबर पर अभी रैंक कर रहा है। इस ड्रामा में कहा जाने वाले को वॉन की जो एक डीमन होता है और वो 200 सालों से इंसानों की इच्छाओं को पूरी करता हुआ आ रहा है और एक दिन डूही जो एक बड़ी कंपनी की CEO होती है उसकी मुलाकात कुवॉन से हो जाती है और वो कुवॉन से विश मांगती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और कुवॉन को उसकी इस इच्छा को पूरी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आगे इस ड्रामा में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनके लिए अंदर रहने वाली है 70 मिनट की। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कोइन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप कोइन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले